सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव नतीजे घोषित होने के अगले दिन ही टूट जाएंगे। नरेश अग्रवाल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती खुद अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगी और वह चौराहे पर दौड़ते नजर आएंगे। कभी समाजवादी पार्टी का चेहरा रहे नरेश अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के हरदोई में यह बात कही और इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व नेता अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। नरेश अग्रवाल ने कहा कि 23 मई को जब चुनाव नतीजे घोषित होंगे तो अगले ही दिन मायावती उनका साथ छोड़ देंगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। नरेश अग्रवाल ने अपने इस दावे के पीछे एक तर्क भी दिया। नरेश अग्रवाल ने कहा, 23 मई को मतगणना होगी और 24 को मायावती कहेंगी कि मैं गठबंधन तोड़ती हूँ, मुसलमान और अहीर ने हमें धोखा दिया है। इसके बाद अखिलेश चौराहे पर वानरों की तरह घूमेंगे। गठबंधन को लेकर इस तरह का बयान पहली बार सामने आया है। हालांकि गठबंधन को लेकर दूसरे किस्म के दावे भी गठबंधन विरोधी नेता कर रहे हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के दौरान बिजनौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर आरोप लगाया था कि वह चुनाव के बाद बीजेपी के साथ चली जाएंगी। खासकर मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बयानबाजी नेताओं द्वारा यूपी की सियासत में की जा रही है। अब बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने मायावती द्वारा गठबंधन तोड़ने की बात कहकर इस चर्चा को और हवा दे दी है।